गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम अगली सरसम्मिका लेके आपके बीच में उपस्थित हुए हैं और उसी से संबंधित प्रश्नावली 2.5 का प्रश्न नंबर 4 भी है। सरसम्मिका है कि x जमा y जमा z सारे की शक्ति 2 किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 जमा 2xy जमा 2yz जमा 2zx। ठीक है, अब इस सरसम्मिका के आधार पर हमें ये प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 4 का पहला भाग हमारे पास है कि x जमा 2y जमा 4z सारे की शक्ति 2। यहां x की जगह x है, y की जगह 2y है, z की जगह 4z है, तो वही हमें इसमें रखने हैं। अब x की जगह तो x है, x की शक्ति 2 जमा y की जगह 2y है, तो 2y सारे की शक्ति 2 और z की जगह क्या है 4z सारे की शक्ति 2 जमा 2 गुणा x की जगह x, y की जगह 2y है जमा 2 y की जगह 2y और z की जगह 4z है जमा 2 z की जगह 4z है और x की जगह x है। ठीक है, हमारे पास यहां पे ये आ गया। अब इसको हल करके देख लेते हैं। ये आ गया x की शक्ति 2 जमा 2 का वर्ग 4, y की शक्ति 2 जमा 4 का वर्ग 16 है, z की शक्ति 2 जमा इनकी गुणा करेंगे 2 दुनी 4 xy जमा 2 दुनी 4, 4 चौके 16 है y z जमा 4 दुनी 8 z x। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसी के आधार पे हमें करने हैं। अब दूसरा भाग देख लेते हैं। इसमें दूसरे भाग में हमारे पास 2x घटा y जमा z सारी की शक्ति 2 है। x की जगह 2x, y की जगह घटा का y, निशान मायने रखेगा ध्यान रहे, और z की जगह z ही है। x की जगह हमारे पास 2x सारी की शक्ति 2 जमा y की जगह नेगेटिव y की शक्ति 2 जमा z की जगह z है किसकी शक्ति 2 जमा 2 गुणा xy, x की जगह 2x है, y की जगह नेगेटिव y है, नेगेटिव हमेशा ब्रैकेट में रखना है ध्यान रहे, जमा 2 गुणा y की जगह क्या है घटा y और z की जगह z जमा 2 गुणा z की जगह z है और x की जगह 2x। ठीक है, हमारे पास अब क्या हो गया, ये 4x सारी की शक्ति 2, नेगेटिव कारक पॉजिटिव हो जाएगा, y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2, यहां देखें एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा 2 दुनी 4xy, इसमें भी एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा 2yz, उसमें नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव 2 दुनी 4zx। ठीक है, ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया। इस सरसम्मिका से बहुत ही आसानी से प्रश्न हो गए हैं। अब इसके अगले भाग और देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 का तीसरा भाग। तीसरा भाग हमारे पास, अब यहाँ पे देखें x की जगह नेगेटिव 2x है, y की जगह 3y और z की जगह 2z, यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव 2x की शक्ति 2 जमा y की जगह 3y की शक्ति 2 जमा और z की जगह 2z सारे की शक्ति 2। अब यहाँ रख करेंगे 2 गुणा x की जगह नेगेटिव 2x, y की जगह 3y, ठीक है, जमा का 2y की जगह 3y और z की जगह हमारे पास क्या है 2z जमा 2z की जगह 2z और x की जगह ब्रैकेट में हम लेंगे घटा का 2x। ठीक है, अब यहां लेने के बाद अब इसको हल कर लेते हैं। नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, 2 का वर्ग 4 x की शक्ति 2 जमा 3 का वर्ग 9 y की शक्ति 2 जमा 2 का वर्ग 4 z की शक्ति 2। अब इसमें कितने घटा है, एक है तो घटा में आएगा, 2 दुनी 4 4 किए 12 है, एक्स वाई सारे जोड़ते हैं तो जोड़ का 3 दुनी 6 दुनी 12 वाई जेड वाई जेड और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा 2 दुनी 4 दुनी 8 जेड एक्स। ठीक है, अब चौथे भाग में देख लेते हैं। एक्स की जगह हमारे पास क्या है 2a, वाई की जगह घटा का 7b और जेड की जगह घटा का सी, वही ले लेते हैं 2a सारे की शक्ति 2 जमा नेगेटिव 7b सारे की शक्ति 2, ठीक है ना, जमा नेगेटिव सी की शक्ति 2। अब यहां पे जमा 2 गुणा एक्स की जगह 2a और वाई की जगह मेरे पास क्या है घटा का 7b जमा का 2 वाई की जगह घटा का 7b गुणा जेड की जगह घटा का सी जमा का 2 गुणा सी की जगह घटा सी और ए की जगह मेरे पास क्या है 2a एक्स की जगह 2a। अब यहां से इसको कर लेते हैं, ये क्या हो गया 4a की शक्ति 2 जमा, देखो नेगेटिव का वर्ग हमेशा पॉजिटिव होगा, 49 बी की शक्ति 2 जमा सी की शक्ति 2, ये भी नेगेटिव का वर्ग था ना, अब इसमें एक नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, तो तुम्हें 4 4 सते 28 ए बी, यहां भी यहां दो नेगेटिव है, देखो दो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 7 गुणी 14 है
बी सी और एक नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा, दो दूनी चार सी ए, ठीक है। अब पांचवा भाग इसका देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पांचवें भाग में कह रहा है वो x की जगह घटा का 2x है, y की जगह 5y है और z की जगह घटा का 3z है। अब यहां से देख लेते हैं, घटा 2x सारे की शक्ति 2 जमा 5y सारे की शक्ति 2 जमा घटा का 3z सारे की शक्ति 2 जमा का 2 गुणा e की जगह घटा का 2x है, x की जगह y की जगह 5y है जमा का 2 y की जगह 5y और z की जगह हमारे पास क्या है घटा का 3z जमा दो गुणा जेड की जगह घटा का 3z और x की जगह मेरे पास क्या है घटा का 2x है, ठीक है। यहां तक हो गया, अब इसको कर लेते हैं। नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव, 4x की शक्ति 2 जमा का 5 5 25y की शक्ति 2, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, 3 का वर्ग 9 z की शक्ति 2। यहां कितने घटा है इसमें, एक है तो घटा में आएगा, 2 3 4 5 20xy आगे प्लस, प्लस नहीं है पहले देखना पड़ेगा कितनी घटा है, एक घटा है तो नेगेटिव आएगा, 5 2 10 10 दिए 30 y z और यहां पे दो घटा है, दो घटा है तो पॉजिटिव हो गया, 2 दिए 6 6 2 12 z x। तो देखिए चौथे प्रश्न का छठा भाग भी हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। यहां पे x की जगह 1/4 a है, y की जगह घटा का 1/2 b है और z की जगह 1 है। अब इसको हम लेंगे, x की जगह हमारे पास 1/4 a है तो यहाँ x की शक्ति 2 1/4 a सारे की शक्ति 2 जमा b, y की जगह घटा का 1/2 b सारे की शक्ति 2, z की जगह 1 की शक्ति 2 जमा 2 xy, x की जगह है हमारे पास 1/4 a और y की जगह है negative 1/2 b जमा 2, y की जगह क्या है negative 1/2 b, z की जगह 1, ठीक है। अब 2 z की जगह क्या है 1 और x की जगह है 1/4 a। यहां से अब इसका हल देख लेते हैं हम, a एकम a हो गया और a का वर्ग a की शक्ति 2 बटे 4 की शक्ति 2 16 है, नेगेटिव वर्ग पॉजिटिव हो जाएगा, b एकम b, b की शक्ति 2 इसका वर्ग हो गया और 2 का वर्ग 4 जमा 1 का वर्ग 1। अब यहां पे 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा और 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया a और b बच रहा है a b, नीचे क्या बचेगा 4, 4 एकम 4, यहां भी 1 नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, ठीक है नेगेटिव आ गया तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये कट गया, b किसके साथ गुणा अकेला b एकम b, ठीक है। और यहां सारे पॉजिटिव हैं तो जोड़ का आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर a बचा है और नीचे क्या बचा है 2, तो इसका हल हमारे पास आ गया है। तो ये प्रश्न नंबर 4 अब आपका कंप्लीट होता है, आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।